Assalamualaikum. This is Saki Montage. How are you? Today we are here to explore for you the Saint City, Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai. ओ बिटा जा बिटाई बिट ते वसई नूर मुझ तो पुजायूं ओ बिटा जा बिटाई बिट ते वसई नूर मुझ तो पुजायूं ओ मुझ तो पुजायूं मन जो उमेदू मुझ तो पुजायूं मन जो मुरादू ओ बिटा जा बिटाई बिट ते वसई नूर। हाँ तो भैया मत, हम कहाँ हैं? मैं अभी हम आए हुए हैं शाह अब्दुल लतीफ के मज़ार पर। मज़ार पे नहीं, अभी म्यूज़ियम पे आया मैं भाई। अभी कहाँ, अभी तो म्यूज़ियम पे है ना यार। अभी तो टिकट लेकर वो अभी जब 20 रुपये में टिकट लिए। म्यूज़ियम पे क्या क्या हुआ यार, तो खास लग रहा तो नहीं है मुझे। देखते हैं क्या मोहब्बत क्या दास्तान मिलती है भाई यहाँ पर। चलो भाई चेक करते हैं फिर आज। सही है ए बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाह के नाम सुभाने ए बको यकी आवत खुदा जवाने पातशाह के नाम सुभाने। आज हम आपको शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ना सिर्फ सूफी शायर बल्कि म्यूजिक के भी एक दिलनशीन शिदाई थे। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से इंस्ट्रूमेंट पर काम किया, जिसमें से एक नतीजा तंबूरों का भी है। हाँ भाई, कितने खालिस उर्दू बोलता है भाई। जरा सर ये हमारे स्पीच में ना उर्दू के भाई। क्या बोला मेरी को जो इधर है अहमद, स्टार्ट ही नहीं हुई थी अहमद, वीडियो स्टार्ट ही नहीं हुई थी यार, तेरा कुछ बोल दिया। तो क्या बोला तुम्हारा, बोल सारा कुछ। हम कायम है मजार है और ये देख सकते हैं हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई। ये भाई मोटर चला दी उन्होंने। चलो भाई ये सारे शॉट्स ये आप देख सकते हैं, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई विद तंबूरो। आपको पता है कि हजरत शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ना ही सिर्फ बहुत बड़े बुजुर्ग थे बल्कि वो बहुत बड़े शायर भी गुजरे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी याद किया जिसका नाम क्या है? तंबूरो। तंबूरो यस। नामे दाइल ते जा नामे दाइल ते जा ए रबा फरियाद बोरा समा नामे दाइल ते जा नामे दाइल ते जा सा मखलूक को माग्रान सालो ए ना कुर्बान खौफसो। क्या है यार, कुछ बताएं इस खूबसूरत मंजर के बारे में। यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ तशरीफ लाएं, बैठे यहाँ पर, थोड़ा सा और आगे जाएं। इतनी ज्यादा इज्जत हो गई है। नहीं नहीं, आपकी इज्जत के लायक है भाई। आगे जाए यार, आगे आगे जा, ज्यादा ज्यादा इज्जत नहीं करवा, वो बतख चले जाएंगे पीछे से। इतनी अच्छी सीनरी आ रही है पूरी। हाँ ये देखो भाई, सीनरी चल रही है, पीछे बतख जा रहे हैं और यहाँ पर एक बतख बैठा हुआ है। बतख भाई की क्या बोल रहे हो? अहमद भाई बैठे हैं। अहमद भाई किस क्या क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी अच्छी सीनरी है, सनसेट वहाँ से देख सकते हैं आप, और यहाँ पर अहमद बैठा हुआ। क्या कहना चाहेंगे यार, कुछ तो बताएं इसके मंजर के बारे में। चक्कर क्यों आ रहे हैं आपको? आप कुछ तो बोलो। आप देख सकते हैं इसने कब से लाकर हमारा दिमाग खराब कर दिया है, बस इसी के बारे में जानना एक्सप्लोर करना। कहाँ है मैम? कायदे आजम के बाजार पे। नहीं, कायदे आजम के बाजार पे। यस भाई, वो भाई कह रहा है बार बार उतर जाएं यार। चलो उतरते हैं, पैसे पूरे हो गए। भाई ये इससे चक्को नहीं चल रहे और ये ब्लॉगिंग करेगा शाह।
तुझे मैं सुनाता हूँ हजरत शाद लतीफ़ की लव स्टोरी का, सही है? तो हमें जैसे कि पता है क्या शाद लतीफ़ की बिटाई की लव स्टोरी? जी हाँ, एक लव स्टोरी भी है भाई, बताता हूँ तुमको कि हजरत शाद लतीफ़ बिटाई, आपको पता है कि एक सूफी बुजुर्ग भी हैं। तो एक मरतबा क्या हुआ कि एक मुग़ल बादशाह की बेटी जिनका नाम सैयदा था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मक्की आ रही तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुग़ल बादशाह ने हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई के घर पर पैगाम भेजा कि आप आएँ और दम करें। जब हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई दम करने के लिए आए और सैयदा बीवी की कलाई पकड़ कर मतलब दम करते हैं ना, तो वैसे दम करने लगे तो पहले ही नज़र में हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई को सैयदा बीवी से प्यार हो गया, और इतना गहरा प्यार हो गया कि हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई उनकी एक मतलब झलक देखने के लिए उनके घर बाहर पूरे पूरे दिन खड़े रहते हैं। पर मुग़ल बादशाह कहाँ उनकी मतलब एक जो गरीब बंदा, एक फ़कीर जिनके पास कोई मालूम आता ही नहीं है, उनसे उनकी बेटी का कैसे शादी करवा देते हैं। तो वो इसमें बहुत सख्त नाराज़ हो गए, और फिर हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई ने अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत में कुर्बान कर दिया, और वो अब मक्की भी लव स्टोरी सुनना चाह रही है, लव स्टोरी सुन रही है। तो कहाँ थे? हाँ, तो हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई ने अपनी चाहत अल्लाह की चाहत में कुर्बान कर दी। कि जब हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई काफ़ी दिन बाद अपने हवाई घर आए, तो उन्हें पता चला कि मुग़ल बादशाह की पूरी सल्तनत ख़त्म हो चुकी है और उनके घर सिर्फ औरतें ही रह गई हैं जिनके अंदर सैयदा बीबी भी थी। और सैयदा बीबी ये सोच रही थी कि हमें सिर्फ इस बात का ही सज़ा मिल रही है, अल्लाह ताला हमें इसी बात की सज़ा दे रहे हैं कि हमने हज़रत शाहबुलतीफ़ बिटाई का दिल दुखाया। तो इसी तरह हम दोनों की शादी हो गई।